बंद करो ये सिगरेट। मैं सिगरेट नहीं पी रहा था। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो मेरा प्रपोजल लेके वापस जाएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मिकाल। आपसे रानिया ने बात नहीं की? नहीं, क्योंकि रानिया को पता था कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा मुझसे। मॉम, फॉर गॉड सेक, आप तो मां है ना, कैसे अपने बेटे को तेल में मरता हुआ देखेंगी? खुदा का वास्ता है, मेरी फीलिंग्स को समझें, मुझे समझें। मेरी जिंदगी नेहा के बगैर कुछ नहीं। अगर मुझे नेहा ना मिलेगी तो मैं वाकई में मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे बेटा, क्यों तुम माँ का दिल चीरने वाली बातें करते हो? मॉम, मैं वाकई में जिंदा लाश बन के रह गया हूं। नेहा बहुत अच्छी लड़की है, वो आपका बहुत ख्याल रखेगी। मॉम, वो नहीं मानेगी, कभी भी नहीं मानेगी मिकाल। वो तो मान जाएगी मॉम, वो मानी जान उसको मना लेंगी, पहले आप तो मानिए। पर बेटा, तुम्हारी मंगनी तोड़ दें इस मंगनी को। वैसे भी शादी करके शादी एक ना एक दिन टूट ही जानी थी, तो बेहतर नहीं है कि हम मंगनी को ही तोड़ दें? उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी मॉम। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, एक बेवा बहू कैसे कबूल करूं? जमाना बदल गया है मॉम, एक बेवा को सहारा देना सवाब का काम है। मैं और आप मिलके नेहा की जिंदगी को सवार देंगे। खुदारा अपनी सोचों को बदले, सवाए इसके कि वो बेवा है, आपको कोई नेहा में इशू नजर आता है? नहीं ना, तो फिर बदल डाले इन सोचों को मेरी खातिर, अपने इकलौते बेटे की खातिर, मेरी खुशियों के खातिर। ये देखे मॉम, मेरे जुड़े हुए हाथ देखे, मैं हाथ जोड़ता हूं मेरी खातिर नेहा से मेरा रिश्ता करवा दो प्लीज। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करूंगी। थैंक यू मॉम। और देखो, आज के बाद ये सिगरेट मत पीना। नहीं पीऊंगा।